आखिर क्यों फिल्म लॉन्च या बड़े कार्यक्रम के दौरान जमीन पर बिछाया जाता है रेड कारपेट, और कैसे घर में रखा चाकू आपको जेल की हवा खिला सकता है? सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे। 100 रुपए की बोतल या 100 पाउच, किस में आता है ज्यादा शैम्पू? क्या आपने कभी देखा है आँखों वाला पेड़? आखिर क्यों छोटा हो रहा है मेंढकों का साइज? और क्या गैस की तरह फ्रिज में भी उड़ जाता है पानी? सच जानकर चकरा जाएगा सिर। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर जब पानी का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा होता है तो वह बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद भाप बनकर उड़ जाता है और इसकी वजह से पानी कम या पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पानी सिर्फ गैस पर रखने से ही वाष्पित नहीं होता है, बल्कि यह प्रक्रिया फ्रिज के अंदर भी चलती रहती है। अगर आप एक प्लेट या कटोरी में पानी भरकर फ्रिज में रख देंगे तो पानी के टॉप सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करने लगते हैं। इस एनर्जी की वजह से पानी की सरफेस पर दबाव पड़ता है, जिसे वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाता है, और इस वजह से पानी के मॉलिक्यूल हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसे में पानी की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से कटोरी या प्लेट में रखा पानी कुछ दिनों में कम हो जाता है। लेकिन फ्रिज के अंदर यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, इसलिए पानी की मात्रा काफी धीरे धीरे कम होती है और अमूमन लोग इस बदलाव को नोटिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि गैस की तरह ही फ्रिज के अंदर ठंडा तापमान होने पर भी पानी उड़ जाता है। फैक्ट नंबर 2, भारत के झारखंड राज्य में एक बहुत ही विचित्र सब्जी उगती है जो सावन के महीने में सिर्फ 8 दिनों के लिए बाजार में बिकती है। इस सब्जी का नाम टेक्नस है, जिसे बाजार में 600 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचा जाता है। दरअसल टेक्नस एक जंगली सब्जी है जो लावालोंग के जंगल में सखुआ पेड़ के नीचे जमीन के अंदर उगती है। इस सब्जी का स्वाद मटन की तरह होता है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस सब्जी को खोजने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि इसकी पैदावार भी काफी कम होती है। ऐसे में स्थानीय लोग जंगल में जाकर टेक्नस को इकट्ठा करते हैं, और अगर किसी को ज्यादा मात्रा में यह सब्जी मिल जाती है तो उसके महीने भर की कमाई का इंतजाम हो जाता है। चूंकि यह सब्जी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मिलती है, इसलिए बाजार में इसकी मांग ज्यादा रहती है, जबकि कई लोग ज्यादा पैसे देकर भी टेक्नस को खरीद लेते हैं। हालांकि अगर इस सब्जी को सही ढंग से पकाकर ना खाया जाए तो इससे एलर्जी या पेट संबंधी समस्या होने का खतरा बना रहता है, इसलिए टेक्नस को सिर्फ वही लोग खरीद पाते हैं जिन्हें उससे बनाने की सही विधि पता होती है। माना जाता है कि टेक्नस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वजह से त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं, जबकि इससे कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। टेक्नस की खेती नहीं की जा सकती है, इसलिए स्थानीय लोग इस सब्जी के प्राकृतिक रूप से उगने का इंतजार करते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ सालों में मेंढक का आकार छोटा हो गया है, जिसके लिए ज्वालामुखी विस्फोट को जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल जिस इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके आसपास अचानक से तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस गर्म तापमान की वजह से मेंढकों की कई प्रजातियों का साइज साल दर साल छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से यह मेंढक पहाड़ी जंगलों को छोड़कर निचले हिस्सों का रुख करने लगे हैं। यह ज्वालामुखी विस्फोट जलवायु परिवर्तन की वजह बनता है, जिसकी वजह से कुत्तों के हमले और आक्रामक होने की घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि अमेरिका में गर्मी के सीजन में कुत्तों के काटने और हमलों की घटनाओं में 11% की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार यह जलवायु परिवर्तन बच्चों की जन्म दर को प्रभावित कर रहा है, जिससे प्रजनन क्षमता और स्पर्म मूवमेंट कम होता है, और इसकी वजह से दुनिया भर में 0.4% जन्म दर कम हुई है। जानकारों की माने तो भविष्य में ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से एलर्जी, घातक बीमारियां फैलेंगी और धरती के तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4, कई लोग सिगरेट के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग सिगरेट पीने के बाद मुंह की गंध को दूर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन यह दोनों ही तरीके एक स्वस्थ आदमी को अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी हैं, क्योंकि सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक का मिक्स शरीर में जहर पैदा करने का काम करता है। दरअसल जब कोई इंसान सिगरेट पीता है तो उस स्थिति में उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में निकोटीन चला जाता है। वहीं कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने पर शरीर में हाई फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि यह दोनों चीजें एक साथ मिलकर शरीर में एस म्यूटेंट्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जो शरीर के लिए जहर की तरह होता है। इस जहर से नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और त्वचा पर बुरा असर पड़ता है, जबकि इससे आंखों की रोशनी कमजोर होती है और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पीने से बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने का खतरा रहता है, जबकि इससे मोटापा बढ़ता है और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। फैक्ट नंबर 5,
इस धरती पर कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास आंखें हैं। दरअसल इस पेड़ के पास असल में अपनी कोई आंखें नहीं है, लेकिन पेड़ के तने में छिपकर बैठे उल्लू की वजह से उसे ये आंखें मिल जाती हैं। दरअसल अमेरिका के जंगलों में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ देखे गए थे जिनके तने में इंसान की तरह दो आंखें थीं, लेकिन जब उन पेड़ों को नजदीक से देखा गया तो पता चला कि उनके तने में ग्रेट ग्रे उल्लू छिपकर बैठा है। इस प्रजाति के उल्लू का साइज बहुत ही बड़ा होता है, जिसके पंखों का रंग और शारीरिक आकृति बहुत ही अद्भुत होती है। ग्रेट ग्रे उल्लू छलावा करने में माहिर होता है, जो खुद को पेड़ के तने में कुछ इस तरह से छिपा लेता है कि पेड़ और उल्लू में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब यह उल्लू अपनी आंखें खोलकर रखता है तो ऐसा महसूस होता है कि पेड़ के पास से आंखें मौजूद हैं। इस वजह से ग्रेट ग्रे उल्लू को बहुत ही दुर्लभ प्रजाति माना जाता है, जिसकी आबादी बीते कुछ सालों में काफी कम हो गई है। फैक्ट नंबर 6, कई लोगों का मानना है कि 100 पाउच में 100 रुपए में खरीदी गई बोतल से ज्यादा शैम्पू होता है, लेकिन क्या यह दावा सच है? दरअसल इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से पाउच या बोतल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करता है, इसलिए दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर आप 1 रुपए की कीमत वाले 100 शैम्पू के पाउच खरीदते हैं और उतने ही रुपए में 1 शैम्पू की बोतल खरीदते हैं, तो दोनों में मौजूद शैम्पू की मात्रा में फर्क जरूर होगा। बोतल में शैम्पू के साथ प्लास्टिक का वजन भी होता है, जबकि पाउच में सिर्फ शैम्पू का वजन होता है। ऐसे में 100 पाउच में 100 रुपए की बोतल के मुकाबले ज्यादा शैम्पू होगा, लेकिन हर पाउच को फाड़कर उसे किसी बर्तन में खाली करना और फिर इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है। वहीं बोतल में शैम्पू को यूज करना आसान होता है, जबकि उसे बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा आता है। फैक्ट नंबर 7, घर, रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल पर सब्जियां काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चाकू की वजह से आप जेल भी जा सकते हैं? दरअसल भारत में चाकू रखने को लेकर खास नियम बनाया गया है, जिसके तहत भारतीय नागरिक अपने घर पर 6 इंच लंबा चाकू रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी घर में 6 इंच से लंबा चाकू पाया जाता है तो उसके लिए घर के मालिक को जेल की सजा हो सकती है। भारतीय कानून के अनुसार घर में 6 इंच से बड़ा चाकू रखने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, और बिना लाइसेंस के इतना बड़ा चाकू रखना कानूनन अपराध माना जाता है, जिसके लिए व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल 6 इंच से बड़े चाकू को धारदार हथियार के रूप में देखा जाता है और इसके लिए तलवार की तरह लाइसेंस लेना पड़ता है। इस तरह का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त के पास आवेदन करना होता है। इस आवेदन में ये बताना होता है कि आखिर आपको 6 इंच से बड़े चाकू या हथियार की जरूरत क्यों है, और इसके साथ ही 500 रुपए जमा करने होते हैं, जिसके बाद लाइसेंस मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति घर पर 6 इंच से बड़ा चाकू या तलवार रख सकता है। क्या आपको आज से पहले इस नियम के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, किसी खास मौके, प्रोग्राम या बड़ी फिल्म लॉन्च के दौरान जमीन पर रेड कार्पेट बिछाया जाता है, जिसके ऊपर चलना सेलिब्रिटीज के लिए आन बान और शान की बात होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कार्पेट का रंग लाल ही क्यों होता है और इससे जुड़ा इतिहास क्या है? दरअसल जब कोई ग्रीक राजा अपने महल और रानी को छोड़कर युद्ध लड़ने जाता था और विजयी होकर वापस लौटता था, तो उसके सम्मान में जमीन पर लाल कालीन बिछा दी जाती थी। इसके बाद राजा उस कालीन पर चलते हुए महल में प्रवेश करता था और कारपेट के आसपास खड़े लोग राजा के ऊपर फूल बरसाते थे। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार भगवान रेड कारपेट पर चलते हैं, जबकि राजा अपनी प्रजा के लिए भगवान के बराबर होता है, इसलिए उसके युद्ध जीतने पर रेड कारपेट बिछाया जाता था। ऐसे में यह चलन ग्रीस से होते हुए अन्य देशों तक पहुंचा था। वहीं साल 1821 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के सम्मान में पहली बार आधिकारिक तौर पर रेड कारपेट बिछाया गया था। इसके बाद साल 1902 में न्यूयॉर्क में न्यू एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान यात्रियों के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था, जबकि 1920 के दशक तक हॉलीवुड और फैशन इवेंट में सेलिब्रिटीज के लिए जमीन पर रेड कारपेट बिछाया जाने लगा था। भारत में लाल कालीन को सबसे पहली बार दिल्ली दरबार में साल 1911 में बिछाया गया था। वहीं वर्तमान समय में विदेशी मेहमानों, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के स्वागत में राष्ट्रपति भवन, लोकसभा और राज्यसभा में रेड कारपेट बिछाया जाता है। इस तरह रेड कारपेट भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया, जबकि बॉलीवुड, फैशन शोज और इवेंट के दौरान रेड कारपेट को बिछाया जाना अनिवार्य हो गया है। असल में रेड कारपेट पर चलना गर्व की बात माना जाता है, जिसे मान सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में देश में मेहमानों के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाया जाता है, जबकि इंडस्ट्री में इसकी भूमिका को पॉपुलर होने से जोड़ा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।